मोहम्मद कुमार उपाध्याय कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में माँ शारदा उच्चतर विद्यालय में स्वागत करता हूँ। उनका फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत। उस फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर में पहले अध्याय में आपको कूलाम का नियम पढ़ाने चल रहा हूँ। यह कूलाम का नियम जो होता है अंग्रेजी में इसको कूलाम्स लॉ कहते हैं। कूलाम नामक जो वैज्ञानिक महोदय थे इन्होंने वातावरण में अपने परिवेश में दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसको कह सकते हो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बीच एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस कूलाम महोदय के नियम जो प्रतिपादित किया हुआ है उनके अनुसार क्या है कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल, वह बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो दिशा होती है यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही होती है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे चित्र दिया गया है। यहाँ पे समान आवेश के दो बल लिए गए हैं, एक प्लस Q1 है एक प्लस Q2 है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, लेकिन ये समान आवेश के हैं इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। विपरीत आवेश के दो बल लिए हैं, ये तो देखिए प्लस Q1 है या प्लस सॉरी माइनस Q2 है, इनके बीच जो है वह आकर्षण बल लग रहा है और इनके बीच की दूरी भी क्या है स्मॉल r है। इसीलिए कूलाम महोदय ने दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यह प्रमाण में आपको क्या बताया जा रहा है, यह प्रमाण है। प्रमाण में आपको दिया किया गया कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 dot Q2 तथा दूसरा क्या होगा, यह तो दोनों हो गया क्या, F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरी भाषा में क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए कहा गया यह प्रोपोर्शनल 1/r². अगर इसको हम 1f दैट इज f प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 को समीकरण 1 मान लूं तथा f प्रोपोर्शनल 1/r² को समीकरण 2 मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं या हम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, दोनों यह प्रोपोर्शनल के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 upon r² अब हम अगर इसमें बराबर इसको मैं करूँगी तो एक तो स्थिरांक अर्थात नियतांक लग जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दूसरी भाषा में यह बराबर के Q1 dot Q2 upon r². जहाँ के अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है तो आप क्या बोलेंगे, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश जो होता है दूरी तथा बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेश निर्वात अर्थात जहाँ हवा न हो अथवा को या भी कह सकते हैं या वायु में स्थित हो तो प्रयोग के माध्यम से एक मान प्राप्त हुआ है के का, तो कह सकते हैं कि प्रयोग द्वारा के का मान 9.0×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, यह बराबर अब देखिए यहाँ के है, के का मान लग गया कितना 9.0×10⁻⁹ Q1 into Q2 upon r² न्यूटन।
यदि बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो के को 1/4πε0 लिखा जाता है। अतः हम अब क्या कह सकते हैं कि जो के है, के का मान दिया 1/4πε0, यह किसमें रखा जा रहा है? फर्स्ट और सेकंड से यह थर्ड मिला था, नियतांक लिया गया चार है, तो चार में मैंने जब यह बराबर सॉरी के बराबर 9.09 लिखा तो हो गया यह बराबर 9.09 q1 × 2/r का स्क्वायर। अब इसी चार में हम बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो के को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो जब के को लिख सकते हैं तो चार में पुनः के का मान रखा तो हमको प्राप्त क्या हो गया, अतः f बराबर 1/4πε0 q1 × q2/r का स्क्वायर न्यूटन, जहां 1/4πε0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एप्साइलन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, एप्साइलन जीरो का मान होता है 8.85×10^-12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि निर्वात या वायु के स्थान पर दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम, अभ्रक में से कोई भी एक कुचालक पदार्थ रख दिया जाए रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 के q1 × q2/r का स्क्वायर न्यूटन। इसे हम समीकरण ए मान लेते हैं, समीकरण ए, जहां के क्या है, एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत अर्थात डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। परावैद्युतांक के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ निम्नलिखित बातें हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे पहला, सभी परावैद्युतांकों के लिए के क्या होता है, एक से बड़ा होता है, अर्थात के का मान एक से बड़ा होता है, कह सकते हैं के इज ग्रेटर देन 12। दूसरे में कह सकता हूं कि धातुओं के लिए के क्या होता है, के एक अनंत होता है, अर्थात कह सकता हूं धातुओं के लिए के दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तीसरा हो गया निर्वात के लिए के दैट इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर चार में बता देना चाह रहा हूं कि वायु के लिए के बराबर 1.00059 होता है, जिसे एक ही मान लिया जाता है, अर्थात इसको कह सकता हूं के बराबर 1 निर्वात के लिए दिया गया है। समीकरण ए, जो समीकरण ए है, के सूत्र में एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर केवल एप्सिलॉन का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन को उस परावैद्युत माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। अतः हमको इस सबसे यह निचोड़ यह प्राप्त हुआ कूलाम जी के नियम के अनुसार कि अतः F बराबर 1/4πε0 q1 × q2/r का स्क्वायर न्यूटन, यही कूलाम का नियम है। आप लोग से निवेदन है, स्टे होम सेफ लाइफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।